गुड मॉर्निंग। आज थर्सडे है, मेरा ये थर्ड वीक है कन्विक्शन कॉल सीरीज़ का, और एवरी थर्सडे मैं आपके लिए 8:45 AM को एक थर्सडे कॉल लेकर आता हूँ, जहाँ पे हम बात करते हैं कि इस वीक आने वाले 10 से 15 दिन शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा स्टॉक लेना चाहिए। गाइज, इस वीक कन्विक्शन कॉल चालू करने के पहले मुझे लास्ट दो जो मेरे कन्विक्शन कॉल्स है उसका थोड़ा अपडेट देना है। गाइज, लेट्स स्टार्ट, लेट मी गिव यू अपडेट्स। ओके, तो गाइज ये कन्विक्शन कॉल्स था, मैंने एक 17 सितंबर को दिया था, एक 9 सितंबर को दिया था। 9 सितंबर को एक मैंने कॉल दिया था आपको, ग्लेनमार्क 473 पे बाय करने के लिए बोला था, और टारगेट था इसका 495 रुपीज़। 9 सितंबर को यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो गाइज ग्लेनमार्क अगर आप देखते हो तो मैंने जब 9 सितंबर को ये दिया था 473 रुपीज़ में बोला था बाय करने के लिए, तो ये 9 सितंबर को अगर आप देखते हो तो ये 473 रुपीज़ था, और उसके बाद 18 सितंबर को ये 508 मार के आया है। 508 इसने हिट किया है मेरे टारगेट, तो इसने अराउंड शायद 15 सितंबर को ही कवर कर लिया था। 9 सितंबर को कॉल का, कन्विक्शन कॉल का जो ग्लेनमार्क था, उसने 15 सितंबर को टारगेट हिट कर दिया था। और सेकंड मेरा जो कन्विक्शन कॉल था लास्ट वीक 17 सितंबर को मैंने दिया था सन फार्मा, 518-520 पे बाय करने के लिए बोला था, 551 टारगेट था। बट गाइज अभी सन फार्मा ने अब तक 551 टारगेट तो अचीव नहीं किया, पर इसने 535 ये मार के आया है 18 सितंबर को। 17 सितंबर को मैंने कॉल दिया था और 18 सितंबर को ही ये 533 रुपये पे जाके आया था। तो गाइज होप सो जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो अभी आप देख रहे होंगे मार्केट की कंडीशन बहुत ख़राब है, मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हुआ है। तो इस वीक कन्विक्शन कॉल्स क्या हैं चलो देखते। तो ये डिस्क्लेमर है, आप थोड़ा इसको पॉज करके पढ़ लेना। गाइज आई एम श्योर कि यू आर वेटिंग फॉर दिस वीक कन्विक्शन कॉल। तो गाइज दिस वीक मेरा कोई भी कन्विक्शन कॉल नहीं है, उसके पीछे कुछ रीजंस है और कुछ आपके लिए बेहतरीन टिप्स है जो मैंने मेरे पिछले कुछ सालों में देखा है और एक्सपीरियंस किया है, वो टिप्स मैं आपको आज बताऊंगा। गाइज ये आज का जो टाइम है ये बहुत मार्केट वोलेटाइल मार्केट है। अभी जो आप बेयर देख रहे हैं वो पूरी तरीके से बुल पे हावी हुआ है, और ये अच्छा वक्त है जो भी अच्छे शेयर से फंडामेंटल निफ्टी के जो भी अच्छे शेयर से उसको बाय करने का, क्योंकि उनकी वैल्यूएशन अभी शेयर की वैल्यू काफ़ी कम है और आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, TCS हो गया, काफ़ी अच्छे शेयर से। IT में तो आपको एक शेयर कोई ना कोई आपके पोर्टफोलियो में रखना ही है। और ये वीक अगर आप देखोगे तो कंप्लीट बेयर हावी है बुल के ऊपर। तो इस वीक मैंने सोचा कोई हम मार्केट में कोई चहल पहल नहीं करेंगे, तो इस वीक मेरा कोई कन्विक्शन कॉल्स नहीं है। ये कन्विक्शन कॉल नहीं है, इसके पीछे रीज़न भी ऐसे है कि अगर आप देखते हो कि लास्ट 5 डेज का अगर ट्रेंड देखते हो तो सेंसेक्स देखो पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में है। सेंसेक्स पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में है और निफ्टी भी पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में है। 11600 चालू हुआ था और 11131 पे बंद हुआ, ये आप देख रहे होंगे 39500 पे चालू हुआ था, तो अभी 37668 के ऊपर है, पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे हम कोई भी रिस्क नहीं लेंगे, कोई भी अपना कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो गाइज कुछ टिप्स है मेरी। सबसे पहले तो ये कन्विक्शन कॉल देखने के बाद काफ़ी लोग जो होते हैं, मैं जो टारगेट देता हूँ उसी टारगेट पे स्टिक रहते हैं। गाइज ये टारगेट जो होता है कि ये मैंने टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद निकाला रहता है, पर आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में कोई भी हो, राकेश झुनझुनवाला हो, विजय केड़िया हो, परुंजी जोलियत हो, कोई भी बंदा हो जो पूरी तरीके से सही नहीं होते हैं। तो गाइज डोंट बी ए लालची, सबसे मेरा पहला ये है। बुक आप प्रॉफिट बुक कर लेना, जहाँ पे भी आपको अगर 4-5% रिटर्न मिल जाते हैं इन शॉर्ट टर्म में तो आप उसको प्रॉफिट बुक कर लेना। काफ़ी लोगों ने मैंने देखा है ग्लेनमार्क पे 495 टारगेट अचीव होने के बाद भी वो 510 गया, 515 गया, फिर भी लोगों ने उसको प्रॉफिट बुक नहीं किया था, आज 471 पे आ गया है। मैंने लास्ट वीक दिया था ये कॉल आपको कि सन फार्मा जो 533-535 मार के आया
अगर आप 20-30 रुपये अगर 2-3 दिन में अगर कमा रहे हो ऊपर शेयर के पीछे, तो आपने उस पर टारगेट आपने उसने प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 3-5%। सो गाइस, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लालची बनना चाहोगे तो आप अपना कैपिटल लूज करोगे, तो आपको और थोड़ी दिन और कुछ मार्केट बुलिश होने के लिए रुकना पड़ेगा। डोंट प्ले ब्लाइंड। मैं जो भी कन्विक्शंस कॉल देता हूँ, आपको पूरी तरीके से प्रॉपर इस कन्विक्शंस कॉल को एनालिसिस करना है, और उसके बाद ही उस स्टॉक को बाय करना है। आपको एनालिसिस क्या करना है, एनालिसिस ये करना है कि आपको देखना है कि कंपनी की अभी फिलहाल में कोई बुरी न्यूज़ तो नहीं आई है, एक्चुअली इकोनॉमिकल का ट्रेंड कहाँ पे है, कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी का ट्रेंड कहाँ पे है। तो ये जो स्टॉक्स है, इसका पिछला अगर आप इजीली अगर डालोगे गूगल पे की बैलेंस शीट ऑफ द दिस कंपनी सन फार्मा ग्लेनमार्क, तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर का रिजल्ट कैसे था, उसके पहले क्वार्टर का रिजल्ट कैसे था। तो गाइस, इस थोड़ा 15-20 मिनट अगर आपने डाला है मैंने कोई कन्विशन कॉल देने के बाद, तो आप उस कॉल पे आराम से जा सकते हो। थर्ड मेरा जो टिप्स है गाइस, सेव द कैपिटल। आप कोई भी ओवर ट्रेड मत करना है, आपको कैपिटल सी मार्केट कहीं जा नहीं रहा है, आप भी यही हो, मार्केट भी यही है, मार्केट अगले 100 साल पिछले 100 साल से मार्केट यही है। तो गाइज, 1 दिन 2 दिन अगर ट्रेड नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डोंट ओवर ट्रेडर गाइज। आपको आपका कैपिटल सेव करना है। अगर आपके पास आपका कैपिटल है तो आप जिंदगी भर अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। तो आपको कैपिटल सेव करना है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो जो आपका मेन बेसिक कैपिटल है उसको सेव करके रखना है, उसको संभाल के रखना है, उसको लॉस में नहीं डालना है। मार्केट को गाइज नीड द टाइम, दे डोंट नीड द मनी। मार्केट को पेशेंस चाहिए, टाइम चाहिए। आप कोई भी शेयर लेने के बाद उसमें अगर आप कोई शेयर लेते हो तो आराम से सो जाओ गाइज, ये ऐसे 3-3.5 दिन बीच बीच में ही मार्केट चलता है। आप रात में कितना भी उसके बारे में सोचेंगे तो वो मार्केट वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो गाइज, मार्केट को थोड़ा पेशेंस दीजिए, टाइम दीजिए, और आप अगर देख रहे होंगे तो लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा अप ट्रेंड में ही होता है। मार्केट जब 3,000 2,000 1,500 से चालू हुआ, सेंसेक्स और 40,000 तक गया है, तो मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में ही होता है। तो गाइज, मार्केट को पेशेंस चाहिए, आपका पैसा नहीं तो थोड़ा पेशेंस चाहिए। मेरा फिफ्थ टिप्स ऐसा है कि गाइज, ऑलवेज करंट अफेयर के ऊपर आपको थोड़ा वॉच होना चाहिए, आइज होना चाहिए। लेटेस्ट बिजनेस न्यूज़ कौन सी है ये इस पे होना चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे कि फिलहाल में मेटल पे काफ़ी बिजनेस न्यूज़ आई थी, मेटल अच्छा भागा था, मेटल के सारे शेयर्स अच्छे भागे थे। बिफोर 1.5 मंथ्स जो काफ़ी गवर्नमेंट ने फंड्स दिया था, तो बैंक के शेयर्स काफ़ी भागने लगे थे, तो उस वक्त आप 3-4% बैंक में डाल के निकल सकते थे। तो गाइस, थोड़ा करंट अफेयर जो भी चल रहे हैं, लेटेस्ट बिजनेस न्यूज जो भी चल रहे हैं, उसके ऊपर वॉच रखिए, वो पढ़िए, और उस हिसाब से आप थोड़ा दिमाग लगा के अभी कौन सा शेयर्स इस समय भाग सकता है, इस समय में शेयर्स अच्छा दे सकता है। मैंने काफ़ी दिन से बोल के रखा था आइनॉक्स को खरीदिए, आइनॉक्स को खरीदो। आइनॉक्स 220-210 रुपये में जब था, तब से मैंने बोला था आइनॉक्स को खरीदिए। गाइस, जब आइनॉक्स चालू होगा तो आपको हम 350-400 रुपये देकर जाएगा। पीवीआर, आप बीच बीच में आप जब भी न्यूज़ आती थी पीवीआर चालू थिएटर चालू होंगे तो पीवीआर का शेयर्स भागने लगता है। तो गाइस, थोड़े ऐसे जो भी करंट अफेयर्स है उसके ऊपर आपको वॉच रखना है। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको एंजल ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट अपना ओपन कर सकते हो। अभी आपको पता है एंजल का आईपीओ भी आ रहा है। तो गाइज, एंजल ब्रोकिंग एक बहुत ही ब्रांडेड स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, जहाँ आप आँखें बंद करके यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है। अगर आप एंजल ब्रोकिंग के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो मैं मेरे व्हाट्सएप पर्सनल ग्रुप में आपको ऐड कर देता हूँ, और जहाँ पे मैं आपको मंथली कुछ कॉल्स पर्सनल आपके व्हाट्सएप पे डालता हूँ, और यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे के रखी है, तो वहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपको अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और आपको अकाउंट ओपन करिए। यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा कि लास्ट 2 कन्विक्शन कॉल्स इंट्राडे स्ट्रैटेजी के कुछ वीडियो आ रहे हैं, आप उसको भी एक बार ज़रूर देखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, जो वो ट्रेड करते हैं उनको कुछ टिप्स पता चल जाएंगी। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना है,
और आने वाला बाजू में एक घंटी है उसको बजाना है। सो आपको मेरा कोई भी वीडियो यहाँ पे आता है जो अबाउट स्टॉक मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस होता है, कुछ बेसिक्स स्टॉक मार्केट के बारे में आपको कुछ टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए वो होती है। तो गाइज ये सब यहाँ पे मैं डालता हूँ। तो गाइज स्टे ट्यून टिल नेक्स्ट थर्सडे कन्विक्शन कॉल सीरीज, और टिल नेक्स्ट मेरा जो भी वीडियो आएगा तब तक। और गाइज हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू सो मच।